वेलकम टू डेली न्यूज 24 सीएल ससुराल सिमर कट्टू के आने वाले एपिसोड में आपको काफी बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब गीतांजलि देवी होने वाली है सिमर की खूबियां देखकर खुश और देने वाली है सिमर को काफी बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे कि गीतांजलि देवी सभी के सामने सिमर को अपने साथ अपने कमरे में लेकर पहुँचते हैं और सिमर के सामने बार बार अपनी अलमारी खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन चाबी टेढ़ी हो जाने की वजह से वो अलमारी नहीं खुलती है, जिसकी वजह से गीतांजलि देवी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिमर गीतांजलि देवी की मदद करने की कोशिश करती है, वो उनके हाथ से चाबी लेकर उन्हीं की आँखों के सामने चाबी ठीक करके अलमारी खोल देती है और ये देख कर गीतांजलि देवी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो मनी मन खुश भी होती है, लेकिन वो सिमर के सामने अपनी ये खुशी नहीं दिखाती है। जिसके बाद यहाँ पर गीतांजलि देवी अलमारी में से पग बांधने की रस्म के लिए सिमर को पग देती हैं और सिमर को समझाती हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी वो उसे दे रही है क्योंकि वो आरव की पत्नी है और अदिति की बड़ी भाभी है, इसलिए रस्म उसे ही निभानी है। वो ये जिम्मेदारी उसे दे रही है और उसे अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। और यहाँ पर गीतांजलि देवी की बात सुनकर सिमर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि पहली बार बड़ी माँ ने उसे कोई जिम्मेदारी दी है। वहीं इसी के बाद यहाँ पर सिमर के जाने के बाद गीतांजलि देवी काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर सिमर ने ये चाबी सीधी कैसे कर दी। वो ये सोच सोच के काफी ज्यादा हैरान भी होती है और खुश भी नजर आती है। अब ऐसे में यहाँ पर देखना दिलचस्प होने वाला है, क्या यहाँ पर सिमर अब गीतांजलि देवी के दिल में अपनी जगह बना पाएगी, क्या यहाँ पर अब गीतांजलि देवी सिमर को माफ कर देंगी। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीएल ससुराल सिमर का 2 से जुड़ा इस लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।